चलो जी शुरू करते हैं। बोलो एक्सरसाइज जीरो में से डाउट्स बोलो पहले इलास्टिक कोलिजन के। क्वेश्चन नंबर 1-2। नो सर। 3-4। नो सर। 5-6। सर नो सर। क्या सर? फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5 किसका है? सर जागृति। जागृति यस सर। सर इसका आंसर 9 आ रहा है। 9 आ रहा है। क्या किया है तुमने? सर वो ना शायद वॉल के रिस्पेक्ट में हमें कुछ और देना है ना आंसर। द स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन। नहीं नहीं विद रिस्पेक्ट टू तो कुछ नहीं है। सर 9 ही आ रहा है मेरा तो। तुमने क्या मुझे वैल्यूज बोलो क्या क्या लिए? सर U1 क्या है? V1 लिया। U1 क्या है? सर U1 का ये 4। U1 4 है। U2? U2 minus 1। V1? और V1 भी सर 4 है। वाह V1 ही तो निकालना है। नहीं नहीं V1 नहीं, पता नहीं सर क्या किया मैंने। इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी बॉल की या दीवार की? दीवार की। तो दीवार की वेलोसिटी कितनी है पहले? -1। तो अच्छा हाँ सर ठीक है, वही गलत कर दिया सर मैंने। -1 रह जाएगी। 4 कितनी बन जाती है वो निकालनी है। ठीक है सर, गलत निकाल दिया मैंने। 8 तक? नो सर। कोई नहीं है 8 तक? और कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है जी। उसके बाद पार्ट आई में इनइलास्टिक कोलिजन बोलो। सर वो हाइट वाला फॉर्मूला तो नहीं याद करना ना, रूट ऑफ h2/h1। हाइट वाला क्या जो आप e = √h2/h1 हाइट वाला फॉर्मूला h = e^2n वाला? नहीं सर। क्या बोल रहा है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला √h2/h1। वो भी करना है। ओ यार उसी से आ जाता है वो निकल तो जाता है सर वैसे पूछ। उसी से आएगा ना h। अगर मैं hn = e^2nh0 लूं। यस सर। यहां पे n की वैल्यू 1 डाल दे पहली कोलिजन के बाद है ना, तो वही तो आ गया h1/h0 = e^2 को इधर ले जाता हूं। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 1-2। नो सर। नो सर। नो सर। 3-4। नो सर। नो सर। सर फोर्थ वाले में e = v2 - v1/v1 + v2 ये बनेगा ना, इसको सॉल्व करके हमें v1/v2 की रेशियो निकालनी है। हाँ वो तो मुझे ऐसे जुबानी तो कैसे पता लगेगा क्या बनेगा। ball a moving with certain velocity v collides v1 और v2 की रेशियो निकालनी है इसमें। यस सर। u1 कुछ u ले लो और u2 0 है। यस सर। दोनों मास सेम है ठीक है सर, तो u = v1 + v2 बन जाएगा। हाँ फिर एक e = v2 - v1/u1 - u2 वाली। हाँ वही होगा। सिक्स तक? नो सर। तू लेट आया थी बेंचू? नहीं सर आ गया था अभी आया तू। सर फिफ्थ क्वेश्चन बता दो। यस सर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बॉल 1 कोलाइड्स विद अनदर बॉल 2 एट रेस्ट एज शोन फॉर व्हाट वैल्यू। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ई restitution e the velocity of the second ball becomes twice twice that of the one after collision. So ye before collision maan lo, let's say this is u, this is 0. Collision ke baad iski velocity v1 aur iski velocity v2. और इसने क्या बोला है? सेकंड बॉल की वेलोसिटी जो है वो ट्वाइस हो जानी चाहिए पहले से, मतलब जो v2 है
वो वी वन के ट्वाइस है, तो अगर मान लो ये वी ले लो तो ये टू बी हो जाएगा, हाँ के ना? Yes, sir. सर मैंने वो यू ले लिया, टू यू ले लिया तो गलत हो गया. टू यू ना भाई, सेम मास की है तो कैसे? आफ्टर कोलिजन था ना सर, वो वर्ड मिस कर दिया. हो जाएगा? यस सर, तो हो जाएगा. दोनों वही इक्वेशंस लगानी है. यस सर. जैस्मिन? यस सर, अब हो जाएगा. ठीक है. ओके, पार्ट जे में 1 2 3. ओ सर, सेकंड में हूँ. सेकंड में है, बोलो. सर सेकंड सॉल्व नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा मतलब कैसे करूँ. सेकंड में पहले सिर्फ ये स्लेज है, उसके ऊपर अब 90 किलो का एक और ब्रैकेट ड्रॉप कर दिया, तो कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी है. इनिशियल मोमेंटम 16 to 10. ये इनिशियल हो गया. फाइनल में कितना मास है टोटल? 150. 60 प्लस 90 उसकी कंबाइंड वेलोसिटी भी, ये हो जाएगी. ओके सर. डन? यस सर. ठीक है. एक्सरसाइज वन में, एक्सरसाइज वन में बोलो इलास्टिक कोलिजन पहले तीन. क्वेश्चन नंबर फोर. नो सर. हम्म. सो मेरा ना क्वेश्चन नंबर टू में -1/3 आ रहा है. वेलोसिटी? यस सर. किसका? दीप्ति का? सर सही आ रहा है सर. नहीं सर, 1/3 आ रहा है. तो मेरा पता नहीं -m2=3m1 आ रहा है. पार्टिकल एक्सपीरियंस इज इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद अ स्टेशनरी पार्टिकल, देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस इफ द इफ आफ्टर दिस हेड ऑन की जगह -3 पार्टिकल्स फ्लाई अपार्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल वेलोसिटीज. ठीक है. तो यहाँ पे मासेस पता नहीं, हमें मासेस की रेशियो ही निकालनी है. दिस इज m1, इसका इनिशियल वेलोसिटी u ले लो, ये m2 है, जीरो है. टकराने के बाद ये ऑपोजिट वेलोसिटी में जाते हैं, ठीक है, विद इक्वल वेलोसिटीज. तो ये अगर v है तो ये माइनस v हो जाएगी. ठीक है, ऑपोजिट हमें दे रखा है ऑलरेडी. नहीं सर, समझ आ गया, मैंने वो माइनस नहीं लिखा था ऊपर. ठीक है. हाँ, तो यहाँ पे ऑपोजिट है ना, तुमने यहाँ पे भी v ले लिया होगा. Yes, so, मैंने वो वी करके कर दिया था. दमन, क्लियर? हो जाएगा? Yes. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फोर. देखो क्वेश्चन नंबर फोर में, यस सर, अ न्यूट्रॉन मूविंग विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी कोलाइड्स इट ऑन विद द अनदर with the atom of mass number A. What is mass number? Proton plus neutron. Proton plus neutron. Yes, it is the number of nucleons, right? Number of protons plus neutrons. Yes. Neutrons? Yes. Yes. तो अगर एक न्यूट्रॉन का मास m है मान लेते हैं, तो उस न्यूक्लियस का मास कितना होगा जिसका मास नंबर A है? m में. Correct. क्या उसका मास एम में होगा? ये बात सबको चमकी? यस सर. एक का मास एम, तो ए है उसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? ए. तो मास कितना हो गया एम में? ठीक है. तो अब इसकी वेलोसिटी यू है, ये रेस्ट पे है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो रेस्ट पे लेंगे. यहाँ पे फिर यू ना वी वन और ये है वी टू. अब पूछा क्या है? पूछा ये है फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय इट. फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी, इट कौन है यहाँ पे? न्यूट्रॉन. फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय द न्यूट्रॉन, मतलब वो फ्रैक्शन निकालनी है. किसकी फ्रैक्शन? काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100. नहीं, 100 नहीं, मतलब परसेंटेज में नहीं निकालना, ऐसे निकालना. तो काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड डिवाइडेड बाय, रिटेन्ड होएगी वो तो हमारे पास ई नहीं आएगा. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये निकालना है हमें. अब बताओ रिटेन्ड का
रिटेन्ड कितनी काइनेटिक एनर्जी रिटेन की है न्यूट्रॉन ने, फॉर्मूला बताना जरा. हाफ वी वन स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. रिटेन का मतलब क्या होता है कि मतलब सर कितनी बची है उसमें. हाँ, कितनी बची है उसके पास, कितनी काइनेटिक एनर्जी है न्यूट्रॉन के पास अभी कोलिजन के बाद, कितनी बची है उसके पास. हाफ एम वी वन स्क्वायर. हाफ एम वी वन स्क्वायर करेक्ट. अरे हाँ के ना, यही रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है. यस यस. डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी उसके पास. हाफ एम यू स्क्वायर. हाफ एम यू स्क्वायर. तो मेरे को बस वी वन की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ यू, तो मेरे पास फ्रैक्शन आ जाएगा. यस सर. वी वन बाय यू का होल स्क्वायर. तो यहाँ से निकाल लो. क्या चीज करेंगे, वही चीज, दो इक्वेशन लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड ई वाली इक्वेशन लगाओ, उससे वी वन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ यू. वी टू को एलिमिनेट कर देना, उसमें डाल देना, आंसर आ जाएगा. हो जाएगा सर. कोलिजन को इलास्टिक ही लेंगे. कोलिजन को बिल्कुल इलास्टिक लेंगे. कहाँ मेंशनड है इन इलास्टिक है, कहीं ई की वैल्यू नहीं, कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली इलास्टिक लेंगे. ओके, बाय डिफॉल्ट हमें क्या लेनी होती है, मैंने पहले ही बोला था. यस, हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझ आया कितनी रिमेनिंग है न्यूट्रॉन में. सर नहीं, ये तो समझ आ गया कि आपने कैसे निकाल लिया है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड अपॉन इनिशियल कैसे ली. फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड, इसका मतलब अंग्रेजी, इसका मतलब है फ्रैक्शन ऑफ कितना पार्ट रहे. हाँ, कितना पार्ट टोटल का रिटेन रह गया. ओके. गुनवीन अनम्यूट. यस सर. क्या चीज इसमें डाउट किया, क्या है एमए में. सर यहाँ पे मास नंबर तो ए दिया ही हुआ है, उसमें ही नहीं आ गया न्यूट्रॉन का मतलब. क्या दोबारा बोलो सर. जो ए दिया है मतलब आपने एम से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये समझ नहीं आया. मास नंबर क्या होता है गुनवीन. न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना अंदर उसके. यस सर. तो अगर 10 पार्टिकल्स हैं, हर एक का मास एम है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा. ओके सर. सर. हाँ जी. ऐसा एक क्वेश्चन सर एनसीईआरटी में भी है, स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स में, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट भी बीच में निकाली हुई है, वो मुझे समझ नहीं आया. एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो भेज देना. कोई नहीं, क्या पता उस क्वेश्चन में क्या पूछा है ना. ओके सर. हाँ, क्वेश्चन देख लेंगे एक बार. क्वेश्चन नंबर 5-6. नो सर. सर जो सिक्स है उसमें मतलब मेंशन्ड नहीं है कि U2 को जीरो लेना है, फिर अपने आप ही कंसीडर कर लें. हाँ, वो कंसीडर करना पड़ेगा. ओके सर. सेवन एट. नो सर. नाइन टेन. नो सर. सर एक बार थोड़ा टेंथ बता दो. टेंथ. Sphere of mass 2 kg, moving with velocity, collides elastically with another sphere, which is at rest. If after the collision, the first sphere moves in the same direction, used to one thing. हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? Diagram? नहीं सर, जो last second last line है कि velocity reduced to 1/3 of its initial velocity, तो उसको हम u by 3 लेंगे या 2u/3? No, reduced to 1/3. Reduced by 1/3 हो जाता, तो 1/3 minus हो जाती उसमें से, तो 2/3 रहती. Reduced to 1/3 मतलब अब 1/3 रह गई है, तो अगर पहले u थी, अब u/3 रह जाएगी. ठीक है सर, बस यही डाउट था. 11, 12. No, sir. Sir, I guess. Sir, 12. 12 है. Yes, sir. 12. 12 किसने किया. सर मैंने कर लिया.
आंसर कितना आ रहा था सर? 24 मीटर पर सेकंड. सबका 24 आ रहा है? यस. नो सो. कितना आ रहा दीप्ति तुम्हारा? सर मेरा तो 20 आ रहा था. 20 आ रहा है? अच्छा, किसी और का डिफरेंट आंसर? सर मेरा भी 20 आ रहा है. 20 आ रहा है. अच्छा, 22 नहीं आया किसी का? नो सर, उसमें सर माइनस 2 भी आ गए, V2 माइनस 2. सर 24 आएगा. 24 आएगा. अच्छा, a rubber ball is dropped from a height of 20 meters. ऊपर से 20 मीटर हाइट से, लिफ्ट से 20 मीटर हाइट से उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है, उसके रूफ की तरफ. और लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से. तो लिफ्ट और उनमें दोनों में कोलिजन होगी, तो ऑब्वियसली हमें कोलिजन के बाद की वेलोसिटी निकालनी है बॉल की. ओहो, खुल जा. तो यहाँ पे बॉल है, ये लिफ्ट है, ये जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, बॉल को ड्रॉप कर दिया, u इज इक्वल टू 0. कितनी हाइट दे रखी है? 20 मीटर. 20 मीटर. 20 मीटर. तो बॉल की जो स्पीड है, ऑब्वियसली हम यहाँ पे बिफोर कोलिजन निकालेंगे यहाँ पे. यस. बॉल की जब यहाँ पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? रूट ऑफ 2gh. 20 मीटर पर सेकंड. यस सेकंड. तो मतलब बॉल की वेलोसिटी विल बी रूट ऑफ 2 इनटू g इनटू 20 बिफोर कोलाइडिंग द, दिस इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलाइडिंग द लिफ्ट. यस यस. एम आई करेक्ट और एम आई wrong? Sir, I guess wrong. Why? Sir, क्योंकि lift ऊपर को जा रही है sir. Correct. Lift का फिर वो distance उतनी height रहेगी ही नहीं. Correct. ये गलत है. ये गलत है. Actually इसका answer जो 24 दे रखा है पीछे, वो भी गलत है. ठीक है? उन्होंने ये assume कर लिया. पता नहीं क्यों assume कर लिया. मतलब लेकिन उनको कैलकुलेशन ऐसी ही है कि ये माना कि इधर आके उसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कोलिजन 20 होगी, तब आंसर आएगा 24. हाँ कि ना? यस. ऐसे ही आ रहा है ना 24? यस यस. बट दिस इज नॉट द केस. जब तक ये बॉल लिफ्ट के साथ टकराएगी, लिफ्ट यहाँ तक पहुंच चुकी होगी. यस सर, लिफ्ट की डिस्प्लेसमेंट होगी. लिफ्ट भी तो यहाँ तक पहुंचगी ना. यस. तो बॉल तो यहाँ आके टकराएगी, इधर थोड़ी टकराएगी. यस. तो मतलब yes. वो 20 मीटर गिरी नहीं. 20 से कम है. तो अगर 20 मीटर गिरी नहीं तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आएगी ही नहीं, उससे कम आएगी. यस सर. यस यस. तो हमें वो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले. अब वो वेलोसिटी कैसे निकाल लें? तो मुझे यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा लगा के मैं देख लूं कि कब मिलेगा ये दोनों. यस यस. तो हम निकाल लेते हैं. तो कितना टाइम लगेगा इन दोनों को मिलने के लिए? वो एक शॉर्टकट किया था हमने, 20 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी. यस यस. तो टोटल हाइट इज 20 डिवाइडेड बाय इसकी वेलोसिटी u, इसकी वेलोसिटी 2, तो डिवाइड बाय 2. 10 सेकंड्स. 10 सेकंड्स आ गया. 10. यस सर. क्या ये सही किया मैंने? इज दिस करेक्ट? यस लगता है. बट उदय को नहीं लग रहा. बाकी को लग रहा है. उदय क्यों नहीं लग रहा? यस सर गलत है. दिस इज अगेन रॉन्ग. यस सर डिस्टेंस तो कम हो जाएगा 20 से. अरे डिस्टेंस की बात नहीं है ये, जब हमने किया था. करेक्ट उदय, योर रीजन इज आल्सो करेक्ट. जब हमने ये केस किया था, यहां से बॉल को एक ड्रॉप किया था, एक बॉल को ऊपर फेंका था, दोनों बॉल्स की एक्सेलरेशन क्या थी? ओके सर सेम. सेम दोनों बॉल्स की एक्सेलरेशन, इसकी माइनस जी, इसकी माइनस जी, तो एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन वाज 0. यस सर. तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 थी, तो s = ut + half t² जब लगाया था तो एक्सेलरेशन रिलेटिव वाली टर्म तो 0 हो गई थी, इसलिए सीधा आ गया था. यहां पे ऐसा नहीं होगा. यहां पे लिफ्ट की एक्सेलरेशन इज 0. हां के ना? यस. ये फार्मूला भी डायरेक्ट नहीं लगेगा. बात समझ आ रही है? यस. ठीक है, तो ये तो नहीं लगेगा. तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मैं तुम लोगों को तरीका बताता हूं इसको कैलकुलेट करना खुद. तुम लोगों को पहले यह टाइम निकालना पड़ेगा. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिखो, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिखो, और क्या है टाइम निकालना, डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिखो, वो तो पता ही है, 20 है, -20. तो यहां से ये सब
यूज करके वैल्यूज, उसके बाद टाइम निकालो, क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ से टाइम निकलेगा, ठीक है? तो वो टाइम पता लगेगा कि कितनी देर बाद ये इन दोनों का मिलन हो रहा है, कितनी देर बाद कोलिजन होगी, ये पता लग जाएगा, ठीक है? अब वो टाइम को पुट करेंगे बॉल की फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, फाइनल वेलोसिटी के लिए, फिर फाइंड करना v = u + at लगा के बॉल की फाइनल वेलोसिटी। बात चमक रही है? यस सर। वो वेलोसिटी जो आएगी, ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन, करेक्ट, दिस इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कोलिजन, ठीक है? दिस इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कोलिजन। उसके बाद लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर लगेगा वो फॉर्मूला m1 u1 वाला, मतलब इसमें तो खैर e वाला लगाना है। यहाँ पे किसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी सर? लिफ्ट, लिफ्ट की। यहाँ पे फिर स्पेशल केस लगेगा, लिफ्ट की वेलोसिटी में फर्क नहीं, यस सर, हैवी बॉडी व्हिच इज, इट इज वेरी मच ग्रेटर देन बॉल ना, मास, यस, की वेलोसिटी में फर्क दिया भी हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, हाँ नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो और उसके बाद फिर तुम लोग e वाला फंडा लगा के इसकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन निकाल लेना बॉल की। यस, तो यू गेट द स्टेप्स, क्या क्या? यस सर, यस सर, ये सारे स्टेप्स लगा के, बस यही नहीं समझ आ रहा था कि टाइम कैसे निकालो। हाँ, तो ये सारे स्टेप्स लगा के आपको निकालना है आंसर, इसका अप्रोक्सीमेटली 22 आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा 22, अप्रोक्सीमेट आसपास आएगा 22 के, इसलिए क्लोजेस्ट ऑप्शन वही बनेगी 22। ओके सर, सर हाँ जी सर, रिलेटिव डिस्टेंस हम 20 मीटर ही लेंगे इसमें? बिल्कुल, रिलेटिव डिस्टेंस तो 20 है सर। जैसे मतलब लिफ्ट ऊपर आ रही है तो डिस्टेंस मतलब कम नहीं हो रहा उनका? ओ गुरु, रिलेटिव का मतलब ही वही होता है कि एक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी में कौन रेस्ट पे अज्यूम होता है? बी, बी, ओके सर, ठीक है। तो जब बी को रेस्ट पे ही मान लिया, इसमें लिफ्ट को हमने रेस्ट में मान लिया, एक्चुअली में नहीं है, तो बॉल को कितना चलना पड़ेगा? यस सर, 20 मीटर। चलो, गॉट द क्वेश्चन? यस सर, यस सर। हाँ, इसको बढ़िया चीज, तो अब तुम लोग इसको खुद से क्या करोगे? सॉल्व, ट्राई, ठीक है जी। चलो, अब है अगला, क्वेश्चन नंबर 13, 14 सर, 13 यहाँ पे जरा बता दिव्यांशु, निकालना क्या है पहले तो मेरे को यही बता दे। फोटो बना बनवा जरा इसकी, एक बॉडी है m की, एक बॉडी है 4m की, हाँ के ना? यस यस, वेलोसिटी u मान लेते हैं इसकी 0, m 4m, इसकी वेलोसिटी v1 v2, ठीक है? यस, अब बता दे जरा मेरे को परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड का मतलब निकालना क्या है एक्चुअली? बोले मतलब कितनी काइनेटिक एनर्जी मतलब m वाले मास ने 4m को ट्रांसफर कर दी? बिल्कुल, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100, ये निकालना है? यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कितनी हुई है जरा बोल, हाफ इनटू m v1 स्क्वायर। ट्रांसफर किसको किया उसने? 4m को। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी लिखेंगे? तो क्वेश्चन की भावना समझो, पूछा क्या उसने, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर किसको हुई इसको, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इन 200, हाँ के ना? यस यस। अब v2 तो निकला आएगा ना इन टर्म्स ऑफ u? यस, क्या लगा के सर? वो मोमेंटम कंजर्वेशन सर, -2/3 v1 आ गया ना?
हाँ जो भी आ गया मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना और ई वाला फॉर्मूला लगा देना वहां से सर वी वन को एलिमिनेट करना है और वी टू की एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ यस सर निकल गया दैट्स इट सर मैंने ये किया कि मतलब मैंने जो उसमें लॉस आया फर्स्ट वाली बॉल के एम मास के उसको ले लिया मतलब जितना उसमें लॉस आएगा सर उतना ही उसमें ट्रांसफर हो जाएगा एक ही बात है एक ही बात सर मैंने वेलोसिटी निकाल के उसका लॉस ठीक ही बात है कैलकुलेशन दोनों में अप्रोक्सीमेटली सेम सी होगी यस सर सोलह तक नो सर सत्रह तक नो सर थोड़ी निकलेगी बॉल तो पीछे ही जाएगी ना मार गए पार्ट आई क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नो फोर फाइव में जो क्या तो जो 2 में कोफिशिएंट है वो हम 80% के अकॉर्डिंग देंगे कोफिशिएंट तो निकालना है सर मोमेंटम मतलब 80% बचा ना उसके बाद बॉल के बाद 80% हां 80% बचा तो v वाला फार्मूला लगा दो हां बस वही वाला 80% vn is equal to e raised to power n v not मोमेंटम अगर 20% बचा है तो वेलोसिटी कितनी परसेंट बचेगी सर मोमेंटम 80% ही बचा यस सर मैंने क्या बोला 20% मैंने 20 बोल दिया I'm sorry मोमेंटम अगर 80% बचा तो वेलोसिटी कितने परसेंट बचेगी 80% तो वेलोसिटी भी 80% बचेगी दिस इज 0.8 80% मतलब 0.8 v नॉट इज इक्वल टू e रेस्ट पर 1 v नॉट फर्स्ट कोलिजन के बाद क्वेश्चन नंबर 5 तक और में ये डाउट है कि सर हम उस वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं कि ग्राउंड से वो टक्कर मार रही है बॉल कौन सा क्वेश्चन बोल फोर्थ वाले में वही कॉन्सेप्ट यूज करना है ना इन टू सेपरेट कोलिजंस द कोलिजन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट नहीं नहीं ग्राउंड को क्या कर ग्राउंड कहां से आ गया बीच में तो ये फोर्थ वाला बता दो होगा कैसे सिंपल वैसे कर सर इन्होंने चेंज कर दिया ना ऊपर नीचे कर दिया वो हां बस वो कर दिया वो एंड में पहले मैंने सर 1/6 कर दिया था 1/6 कर दिया था उल्टा दो अलग-अलग कोलिजंस हो रही हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e1/e2 हमें 3/1 दे रखा है इन द फर्स्ट कोलिजन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज ट्वाइस द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन e1 क्या होता है v/vs वेलोसिटी ऑफ कौन सा जागृति E1 की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ गई yes, sir. E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6 yes, sir. Which is velocity of separation. Divided by velocity of approach. ये दूसरे केस का velocity of separation और approach है। अच्छा, अब जो पूछा है वो निकाल लो रेशियो किसकी पूछी है ऊपर नीचे ऊपर अप्रोच है ठीक है सर क्वेश्चन नंबर 10 तक सर सर एक सर मेरे ना 6 में आंसर 2.72 आ रहा था 6 में आंसर क्या आ रहा है 2.72 A ball falls from a height of 10 meters on the horizontal plane. The coefficient of restitution, the velocity with which it rebounds from the plane after second collision. इसमें तो calculation है दीप्ति. तो मेरा तो. V2 formula बोलो. So पहले तो v निकाल लिया 10√2 फिर v not is equals to e raised to power n into v not आ गया मेरे पास 1.6 into √2 और जब मल्टीप्लाई किया था तो 2.72 आ रहा था 10√2 e raise to power यहां पे क्या आएगा 2 यस सर इनटू 10√2 यस सर e की वैल्यू 0.4 दे रखी है
0.16 ये तो कैलकुलेशन कर लो इसको तो 2.24 आ रहा सर ऐसे ही देख लो जी की वैल्यू 9.8 लेके आ रहा है क्या जस्ट मल्टीप्लाई दीज दीप्ति मेथड यही है सर हाँ पता चल गया मैंने ना अंडर रूट 3 की वैल्यू रख दी 8 तक सर क्या क्या नो सर सी आ रहा 0.58 आ रहा है सर मेरा 1/√2 आ रहा है 2 की जगह एक सेकंड तुम लोगों ने 8th में जिनका आंसर गलत आ रहा है मासे सेम ले लिए सर एक मिनट हुआ ही नहीं सर 8 मासे सेम कहां दिए यस सर मासे सेम नहीं है आंसर सेम नहीं है मास की रेशियो पहले निकालनी पड़ेगी एक्चुअली इधर क्या है अ बॉल इंपिंजेस डायरेक्टली ऑनटू द अनदर बॉल एट रेस्ट सिर्फ इतना दिया है कि दूसरी बॉल रेस्ट पे मासेस m1 m2 ही लेने पड़ेंगे m1 m2 ये रेस्ट पे है इसकी वेलोसिटी u ले लो ये m1 m2 v2 और हाउ एंड इटसेल्फ ब्रॉट टू रेस्ट ये 0 पे आ गया ठीक है इसकी वेलोसिटी v ले लेते हैं अब करो Half of the initial kinetic energy is destroyed in the collision. इसका मतलब क्या है? अगर half destroy होगी तो बच गई कितनी? Half. Kinetic energy final is half of kinetic energy initial. हाँ क्या ना? Yes. Final कितनी है? Formula? Half m v square. Half m two v square. Yes sir, m two v square. Or is equal to half of Half kinetic energy initial. M1 square. This is equation number 1. ठीक है एक equation ये बनेगी दूसरी equation conservation of momentum बनेगी conservation of momentum बोलो M1U equals to M2V. M2V. This is equation number 2. इन दोनों equations को use करके हमें E is equal to जो third जो coefficient of restitution निकालना है which is V upon U. ये निकालना है तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके v बाय u की रेशियो निकाल के उधर डाल हो जाएगा यस यस सर हमें पता कहां से लगेगा कि हमें मास कब डिफरेंट लेना है और कब सेम नहीं नहीं मास तो हमें गिवन होता है अगर सेम होता है तो लिखा होता है आइडेंटिकल है या कुछ सेम मास है कुछ ना कुछ गिवन होती है मास की इंफॉर्मेशन ओके सर यहां पे गिवन नहीं है तो इट मींस डिफरेंट है सर अगर हम वी नॉट वाले फार्मूला से देखें कि हमारे पास जब बॉल नीचे स्ट्राइक करती है तो सर नेगेटिव होती है सर ऐसे जर्नल डाउट आया था सर एक आंसर मतलब कि पॉजिटिव में था मेरा नेगेटिव आ रहा था जर्नल डाउट एक मिनट रुक जा सर 6th क्वेश्चन में ही है 6th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन में सर अगर हम वी नॉट वाले फार्मूला हां V नॉट वाले फॉर्मूले से आगे बोला तो सर V नॉट की वैल्यू नेगेटिव लेंगे नेगेटिव नहीं लेंगे सर क्योंकि आपने जैसे वो डिराइव करवाया था अरे उसमें यार फॉर्मूले में हम ऑलरेडी ले चुके थे ना भाई नेगेटिव नेगेटिव ऑलरेडी कट गया था पहले ही डाल चुके हैं ना उसको ऑलरेडी ले चुके हैं फॉर्मूला बनाने के टाइम पे नेगेटिव सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है सर उसमें ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 12 तक नो सर 11 14 तक सर 14 सर इसमें सर क्वाड्रेटिक बन रही है वो इंग्लिश सॉल्व तो मैं तो 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e के आगे नहीं सॉल्व हो रही सर मेरा v1 माइनस v2 स्क्वायर अपॉन 4 v1 प्लस v2 स्क्वायर ऐसे आ रहा है ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ बॉल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन विद आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट m m v जीरो टकराने के बाद ऑन फ्रिक्शन लेस द बॉल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन विद एन आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द
balls after collision is 3/4 of the original. Let's say this is V1, this is V2. Kinetic energy jo final hai, this is 3/4 of the original kinetic energy. Yes. Kinetic energy final kya hogi? Half m V1 square plus V2 square. V1 square plus V2 square is equal to 3/4 of half kinetic energy initially. V square. M V square. Yes, sir. Aise given. Yes, sir. तो हाफ एम हाफ एम तो उड़ेगा तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई v1 square plus v2 square is equal to 3/4 v square. Yes yes first equation find the coefficient of restitution. एक इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली लगाओ. यस सर लगाई थी mv m into v1 plus v2 हाँ मतलब m तो उड़ी जाएगा तो m तो उड़ा दो. v is equal to v1 plus v2. Yes v2 और हमें चाहिए क्या है coefficient of restitution. हाँ, coefficient of restitution चाहिए, which is v. v2 minus v1 upon v. upon v. ये चाहिए. तो मेरे पास v2 minus v1 की value चाहिए. लेकिन मेरे को आसानी से आती दिख नहीं रही इधर से, है ना? Yes. Yes. ये गड़बड़ है. अच्छा, एक मिनट equations जरा याद रखो. तीन equations मैं whiteboard पे उतारता हूँ. बोलो क्या क्या इक्वेशन आई थी. v is equal to v1 plus v2. दूसरी इक्वेशन थी v1 square plus v2 square is equal to v by 4 v square. v is equal to v2 minus v1 upon v. यही था. yes. okay. तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को करो स्क्वायर. e square is equal to yes sir ऐसे ही v2 square plus v1 square minus 2 minus v1 2 v1 v2 divided by v square. ये चाहिए मेरे को. V1 square plus V2 square की वैल्यू मेरे पास है. Yes. है कि नहीं? Yes, sir. इसकी वैल्यू मेरे पास यहां से डालो. V1 V2 की चाहिए वैल्यू. अब V1 V2 की कैसे आएगी वैल्यू, इसको स्क्वायर करो. V1 square plus V2 square plus 2V1 V2 is equal to V square. Yes. Yes. तो 2V1 V2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, v square minus उधर लेके जाएं v1 square minus v2 square v minus 3/4 v square. और ये वैल्यू ये पड़ी. ओके सर. तो v square minus 3/4 v square which is 1/4 v square. v1 plus v2 की वैल्यू मेरे पास है, v1 square plus v2 square की वैल्यू है ये पड़ी which is 3/4 v square minus 2v1 v2 की वैल्यू ये पड़ी 1/4 v square divided by v square. Okay sir. E square. Yes. Sir. E की वैल्यू क्या थी? 1/√2. 1/√2. Got it? Yes. Yes sir. सर एक 11th क्वेश्चन भी था. क्या सर इसका आंसर नहीं आ रहा? आंसर नहीं आ रहा सर. इसमें कैलकुलेशन बहुत भयानक सी है. yes, सर उसने गलत किया होगा इसमें. मेरा भी एक बार गलत हो गया था. कैलकुलेशन है यार, तो इसमें तो सारी वैल्यू दे रखी हैं. मेहनत तो करनी पड़ेगी आंसर लाने के लिए. okay. अब 14th मेरे को पता था. इसमें जो है इसमें ट्रिक यूज होती है 14th क्वेश्चन में, है ना? तो इसलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व करके बताया. yes. क्योंकि वो बनता भी था. अब कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो करनी पड़ेगी. एंड ट्राई टू सॉल्व द थिंग्स इन द एंड, मतलब जितना हो सके काटो उसको ना, भी कटता है. ओके सर. पार्ट जे में बोलो. हाँ जी सर. ऊपर जो 7th क्वेश्चन है उसमें माइनस में आ रहा है, उधर प्लस में दिया आंसर. नहीं सर माइनस. यस सर यस सर मैं भूल गया. यस सर यस सर माइनस में आ रहा है. डी ऑप्शन. नो सर. द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी. अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम में तुम लोगों ने क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल. नीचे को जो वेलोसिटी होगी
वो सपोज जो भी है मैं उसके वेरिएबल्स मान लेता हूँ, इधर माइनस लेट से वी वन है, माइनस लेंगे नहीं लेंगे? यस, जो वापस जाएगी उसको वी टू है सपोज, वो प्लस में लेंगे नहीं लेंगे? यस प्लस में चेंज करेंगे वो कहेगा वी टू माइनस वी वन, तो वी टू प्लस वी वन. Now put the yes, magnitudes sir. of V2 and V1. Yes. Got it? Sir, अगर हम sir वो formula लगाए V is equals to V raised to power n u. हाँ हाँ, जो मर्जी लगा ले उससे magnitude आ गया ना? Yes sir. हाँ तो फिर, लेकिन हमें change in momentum है भाई, वो तो vector quantity है. Yes sir. तो दो velocities को minus करेंगे या दो speeds को minus करेंगे? Velocities. Okay sir. सर सिक्स्थ क्वेश्चन में डाउट है. अबे तेरा सिक्स्थ अभी निपटा ही नहीं, बाद में. सर कौन सा सिक्स्थ? इस एक्सरसाइज का सिक्स्थ. अच्छा इसका. अच्छा ये, अच्छा अभी आ गया रहे हो. हाँ जे में बोलो. सेकंड क्वेश्चन नंबर टू. यस नो सर. सबसे टुच्ची एक्सरसाइज है ये, परफेक्टली इनइलास्टिक वाली. यस सर. A 6 kg mass collides with another body at rest. अब मैं क्या बताऊं इसमें है? After the collision that they travel together with a velocity 1/3 of the velocity of the 6 kg mass. तो अगर 6 kg mass की v है तो final velocity कितनी है? Combined velocity? V by 3. 6v is equal to 6 plus m into v by 3. Yes sir. क्या? यस सर. तूने ये नहीं किया? गलत कर दिया सर, मेरा पता नहीं जीरो आई जाता था. जीरो मतलब बिना मास से टकराए, जाते जाते भूत ने थप्पड़ मारा और उसकी स्पीड स्लो हो गई. क्वेश्चन नंबर सिक्स तक. नो सर, ये एक्सरसाइज सबसे अच्छी थी. सेवन में क्या डाउट है गुनवीर? सर सिक्स्थ क्वेश्चन में डाउट है. क्या डाउट है सर? इसमें हमें दिया हुआ है कि दो बॉल्स हैं सेम मास की हैं, जिस वेलोसिटी के साथ आई उसी के साथ वापस चलेगी सर, तो लॉस किस चीज में हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी. इसमें किसी में नहीं हो रहा लॉस, ये इलास्टिक कोलिजन है. तो फिर सर इसका आंसर कैसे आएगा? चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम क्या? सिंपल है यार, इसमें दो बॉडीज हैं, पहले इधर जा रही है ऐसे, ये इनिशियल मोमेंटम है m into u. हां के ना? Yes, sir. वापस इस तरफ भागेगी माइनस एमयू से, कितना आएगा चेंज इन मोमेंटम? जीरो? नहीं सर, ट्वाइस हो जाएगा. कितना हो जाएगा? मैंने जीरो कर दिया था, माइनस टू एमयू. माइनस टू कर दिया था, शाबाश सर. मैंने सोच के ही जीरो कर दिया कि एक उधर जा रही है, कोई चेंज तो आना नहीं चाहिए. गुनवीन सेवन में क्या डाउट है? सर जो मास 13m वाला है उसको जीरो लेना है ना? यस सर. इनिशियल बिल्कुल जीरो लेना है. यस सर. फिर वो दिया तो है ही. कब इतने? अब तक तो 10 क्वेश्चन ऐसे मिल गए होंगे जिसमें नहीं दे रखा होगा. दूसरा जरूरी नहीं है अगर नहीं सर, इसी में द शॉर्ट. अरे शॉर्ट कौन सा? गन वाला, वो टकीला शॉर्ट की बात हो रही है. देख कौन पूछ रहा है, कहता सर शॉट कौन सा? तूने कौन, तुझे कौन कौन से शॉट्स के बारे में पता है तमन? हैं? बहुत सारे बताए. बहुत सारे बताए. अच्छा एग्जांपल दे दे सर को. कहाँ गया? ठीक है हो जाएगा अब तो. वो तो गया था जीरो लेकिन पर हाँ. ऐसा से हो गया यहाँ तक. सर फर्स्ट का आंसर नेगेटिव में आ रहा है. कौन सा फर्स्ट? इसी का जे पार्ट का नेगेटिव में आ रहा था सर मेरा तो. सारा दोनों चीजें कॉमन वेलोसिटी नेगेटिव में आएगा सर. नेगेटिव में आ रहा है सर. एक पीछे को आ रही है क्या?
भावना को समझ लिया कर यार, ठीक है हो गया अब। यस यस सर।